नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर स्थित प्राचीन पौराणिक महादेवा लोधेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए सावन के पहले के सोमवार पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बम भोले के जयकारों से जनपद गूंज रहा है। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ के जयकारों से बाराबंकी जनपद गूंज रहा है और अब तक 5 लाख शिव भक्तों ने महादेवा लोधेश्वर में दर्शन कर जलाभिषेक कर चुके हैं। यूपी के बाराबंकी जिले में प्रसिद्ध पौराणिक लोधेश्वर महादेव शिवलिंग पर आज सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक करने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से और जनपद के दूर दराज से भी शिवभक्त पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के अंदर से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद है। सावन के पहले सोमवार पर रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव धाम में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। और जो भावड़ा लगा था वो चंद्रमा के आकार का, ऐसी मूर्ति हम बहुत जगह टहले लेकिन ऐसी खूबसूरत और प्यारी मूर्ति जो सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हो हमने नहीं देखी। ये हमारे लोधेश्वर बाबा जीती जागती जिंदा मूर्ति है। आप जिस समय उनके पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रभु, और लोधेश्वर बाबा की जितनी महिमा कही जाए वो कम है। सारे भक्तों की मनोकामना केवल भगवान को, लोधेश्वर बाबा को एक लोटा चलता है। लगभग 5 लाख के आसपास अभी जलाभिषेक किए हैं और लगभग 50 हज़ार के आसपास की भीड़ अभी भी आप सर्कुलेशन एरिया में देख रहे हैं। और इस मेला क्षेत्र के संबंध में सिविल पुलिस बल, आर्म पुलिस बल और पीएसी और अन्य जो है जो यूनिट से संबंधित पुलिस बल प्राप्त था उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। पूरे मेला क्षेत्र को 4 जोन 9 सेक्टर में विभाजित किया गया था और जोन में डिप्टी SP रैंक के अधिकारी को और सेक्टर में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ड्यूटी में तैनात किया गया। तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारत। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।